अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखिए, मैं अगला क्वेश्चन लिया हूँ और यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है भाई। माइंड में आ रहा होगा कि लास्ट में यहाँ पर क्या है, फोर है। यहाँ देखिए अभी तक हमने क्या बताया था, लास्ट में अगर फाइव हो तो डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अब की बार अब आपके माइंड में आया कि सर की मान लीजिए फाइव है लास्ट में तभी हम कर पा रहे हैं, और अगर फाइव नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब हुआ। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर एक आपको अच्छा आपको टेक्निक बताता हूँ, ठीक है, जिससे अगर फाइव नहीं रहेगा तब भी आप उसको आसानी से लगा लोगे। कैसे लगाओगे देखिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर 54 लिया हूँ, क्या लिया हूँ 54, और इसका स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, तो कुछ ना करो सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 5 देखिए, 5 4 जा 20, 22 जा 40। समझ में आ गया नहीं आ गया? ना समझ में आया तो एक मिनट लिख देता हूँ मैं। देखिए 5 × 4 × 2 कितना आ गया, 40 आ गया नहीं आ गया? अब इसके बाद क्या करेंगे, 5 के स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर कितना होगा, 4 4 जा 16, और एक डिजिट छोड़ करके इसको लिख दीजिए क्या, 04, ठीक, और ऐड कर दीजिए कितना आएगा, 6192। आपका ये आंसर हो गया, था ना एकदम ज़बरदस्त। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं उसमें क्या है। जैसे 26 का स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 और 2 लिखा है, तो 2 6 जा 12 12 2 जा 24। चलो इसका स्क्वायर करिए, 4 और इसका क्या आएगा, 36, ठीक, और वन डिजिट छोड़ करके इसको लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, 42। अब यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 6 4 3 4 कितना आ जाएगा, 7, और 4 2 6 आपका ये। अब इसी को देखिए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर देखिए हम कौन सा नंबर लेते हैं, 23, तो 23 का चलो स्क्वायर किया जाए। तो देखिए 23 का स्क्वायर क्या होगा, क्या करेंगे पहले इसके लिए, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 2, अब ये हो गया 12 हो गया, ठीक। अब इसके बाद चले अंदर वाले के स्क्वायर करिए, तो 9 के स्क्वायर करोगे तो 09 आएगा, 2 के स्क्वायर करोगे तो 04 आ जाएगा। चलो वन नंबर छोड़ के इसको चलो लिखते हैं, 21, अब इसको ऐड करो, 925, आपका ये आंसर हो गया, ठीक। इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 96 लेंगे, तो 96 का जब स्क्वायर आप करोगे तो कितना आएगा, पहले बताइए फटाफट, तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 9 × 6 × 2 तो कितना आएगा, 108 आएगा कि नहीं। चलिए 6 का स्क्वायर किया जाए, अब इसके बाद करते हैं भाई, पहले तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके बाद वहाँ लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 जा 36, ठीक, और ये क्या आएगा, 9 9 जा 81। चलो 1 छोड़िए, उसके बाद लिखिए 801, अब ये क्या आ जाएगा, 6 8 3 कितना हो गया, 11, और 1 1 2 हो गया, और 819 हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया। तो 2 डिजिट रहेगा तो उसका स्क्वायर करना बहुत ही आसान हुआ। अब मुझे नहीं लगता कि आपको 2 डिजिट में कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत होगी, ज़्यादातर 2 डिजिट का ही स्क्वायर आता है और 3 डिजिट का, तो 2 डिजिट का तो मैंने बता दिया सब कुछ अच्छे से। अब आइए 3 डिजिट पे पहुँचते हैं, देखते हैं 3 डिजिट कैसे किया जाएगा। 3 डिजिट भी बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल आपको माइंड नहीं लगाने का है, आप कैसे क्या करोगे इसको देखिए। देखिए जैसे मैंने लिया 325 लिया, इसका स्क्वायर करना है, तो कुछ नहीं करिए भाई, सबसे आसान चीज़ है, सबसे पहले ये 2 डिजिट है वो देखिए, पहले इसको राउंड अप कर लीजिए करो। राउंड अप का मतलब है कि यहाँ पर पहले देखो कि जैसे 325 है, ठीक है, तो इसको राउंड अप करके क्या कर सकते हो, 300 बना सकते हो ना, क्योंकि यहाँ बगल में हमको 00, मतलब जैसे इसके बाद हमको 00 लाना है, वो चाहे 300 में हो जाए 400 में, जो कर पाओ वो आप कर लीजिए अपने तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर यहाँ से मैं 25 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, घटा दूँ, तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा ये। तो भाई हमको 25 घटाएंगे तो 25 हमको जोड़ना भी पड़ेगा, भाषण में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जो यहाँ पर आए पहले उसको स्क्वायर करके यहाँ लिख दो, तो 625 आया, और जो लास्ट के 2 डिजिट हों उस पर आप उसको ऐसे करके आप लिख लीजिए, और जो यहाँ पर अभी बताता हूँ उसको क्या करोगे। चलिए इसमें से पहले 325 से 25 घटा दो तो 300 आ गया, और इसमें 325 में 25 जोड़ोगे तो 300 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक। और इसके बाद चूंकि यहाँ 00 है तो इसलिए यहाँ पर 100 से डिवाइड भी कर दिया करो, तो आ जाएगा 3। अब देखिए कट गया, ये कैंसिल हो गया इससे, अब 3 से कार्य करो, 0 तो बढ़ाई दोगे, 3 5 15, और 3 3 9 9 10, ठीक। और जो यहाँ पर आएगा उसको क्या करेंगे, जो 1 डिजिट है जो हम बता रहे थे कि क्या करना है, उस 1 डिजिट को यहाँ पर जोड़ना रहेगा, तो ये हो जाएगा 6501, और जो यहाँ लास्ट में रहेगा उसको इसके आगे लगाना रहेगा, तो आपका ये आंसर हुआ, क्या आ जाएगा, 105625 हो गया,
क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इसी पे एक क्वेश्चन और बताते हैं, तो आपके हो सकता है कि आपके कम समझ में आया हो, तो दोबारा वाला बताएंगे, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे उसको करेंगे। जैसे आपके पास में लिखा है 392 लिखा है, ठीक, इसका स्क्वायर करना है। तो भाई देखिए, ये यहाँ पर हमको लास्ट में ये लगभग 400 के करीब में है कि नहीं, लगभग ये 400 के करीब में है। तो ऐसा करें कि लाओ 8 जोड़ दें इसमें, तो अगर 392 में अगर 8 आप ऐड कर दोगे तो ये 400 हो जाएगा। तो भाई जब आप 8 ऐड किए हो तो 8 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, चलिए ठीक। तो जो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो वो चीज़ यहाँ पर लिखते हो उसका स्क्वायर करके। तो 8 जा 64, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए पेयर हमारा बन गया, पेयर के बाद इधर कुछ नहीं है, तो आप 0 लिख लो अगर आपको दिक्कत है तो, ठीक। पेयर बनाने के बाद जो कुछ होगा तभी उस पर हम ध्यान देंगे, हमारा पहले पेयर पे ध्यान जाता है, ठीक है। अब चलिए एक काम करिए, आगे इसको देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई, अगर 392 में 8 ऐड करेंगे तो आपका 400 हो गया, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 384 आ जाएगा भाई, 12 हो गया, 12 से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 8 4 12, यहाँ पर कितना बचा, 9 था तो 8 हो गया, 3 है तो 3 ही रहेगा। हमने बताया यहाँ भी है क्या, 0 लगा है, तो इसको हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो गया, अब चलो मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो क्या आएगा, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, 33, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और ये हो जाएगा 4 3 जा कितना आएगा, 12, और 12 3 कितना आ जाएगा, 15, फिर से देख लिए, 4 4 16, ठीक, हासिल एक आ गया आपका, 4 8 32, एक हासिल 33 हो गया, हासिल अब की बार 3 आ गया, और 4 3 12, और 3 हासिल 15 हो गया, ठीक। और मैंने बताया कि इसको करने के बाद जो यहाँ पर रहता है उसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक। जोड़ा हमने तो क्या आ गया, ये 15 36, और जो इधर वाला होता है उसको आगे लिखते हैं, तो 64 आगे लिख दिया गया। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को, 3 डिजिट के क्वेश्चन रहेगा तो उसका आप जो है स्क्वायर आराम से कर लोगे। तो बच्चों ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन का, 3 डिजिट के 2 डिजिट के क्वेश्चन का आप स्क्वायर करके देख लीजिएगा, चैलेंज है कि सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके इसी विषय से, इसी मेथड से आपके लग जाएंगे। बच्चों अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं वो सीधे आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।